कि आज हमारा एक पार्सल आया हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सीधा छत पे, क्योंकि भाई नीचे थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा कि ना थोड़ी सी धूप ले ली जाए, और व्लॉग भी बनाना था तो मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली आज हमारा एक पार्सल आया हुआ है, क्योंकि हमने गेमिंग माइक ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले, तो वो आज हमको मिल चुका है। तो अभी हम उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, और आज के दिन का कुछ ज़्यादा तो प्लान है नहीं हमारा। आज हमें जिम भी जाना है, क्योंकि एक हफ्ते से हमारा जिम भी छूटा हुआ था। और गाइस, हमारी छत पे आप देखोगे तो हमारे घर पे ना फ्लावर्स बहुत मस्त मस्त आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक हमारे घर पे ये है येलो कलर का। हमारे घर पे 5 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के रोजेस हैं। एक ये कलर का है, ये थोड़ा मतलब रेडिश मतलब पिंकिश है, और ये रेड कलर का, भाई कितना सही लग रहा है। एक इसमें ये भी है, इसमें 2 निकले हैं, अभी एक और निकलेगा ये छोटू सा। और हमारे घर पे ये वाइट कलर का भी है, भाई साहब कितना सही लग रहा है। देखिए इसके विंडो भी है, भाई जूम कर, जो यू एक हमारे यहाँ ये पिंक कलर में है। शायद आपको कलर में थोड़ा मतलब डिफरेंट मतलब वीडियो में हो सकता है सेम लगे, लेकिन ये भाई है मतलब अलग कलर, वो अलग कलर है, ये अलग कलर है। और कपड़ों को इग्नोर करना, ठीक है। और ये भी कलर तो 2 कलर के, मतलब ये रोज तो नहीं है, दूसरे हैं। कोई मुझे कमेंट में मतलब नाम बताना इस मतलब फ्लावर को क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, पापा ने लगाए हैं। तो यही थे गाइस छत पे हमारे मतलब फ्लावर तो हमारे यहाँ मतलब जिसमें एक ये कलर का भी है, ये देखो एक ये मतलब ये थोड़ा शायद जल गया है, जल क्या गया है मतलब ओवर एज हो गया है इसकी, इसको तोड़ा नहीं तो इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी जल चुकी हैं। तो कुछ नहीं, अब दोबारा से नए आएंगे इसमें। अभी तो मतलब सीज़न ही है, विंटर चल रही है, विंटर में तो मतलब फ्लावर वावर आते ही रहते हैं। तो गाइस अब हम मतलब नीचे चलते हैं, और माइक की मतलब अनबॉक्सिंग भी तो करनी है। अनबॉक्सिंग करते, वैसे अनबॉक्सिंग तो भैया को करनी चाहिए थी, क्योंकि भैया का गेमिंग चैनल है। और भैया इस टाइम है नहीं, भैया शोरूम पे गया हुआ है, तो उसके बदले हमने पार्सल को पिक किया है, तो हम ही उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट से हम लोग अनबॉक्सिंग करने चलते हैं। तो गाइस ये है वो माइक जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, ये वाला माइक हमने परसों ऑर्डर किया था, और आज हमें क्रिसमस के दिन पे हमें ये रिसीव हो चुका है। तो आइए जल्दी से जल्दी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इक्विपमेंट निकलते हैं। हम इसको सेटअप तो शायद ना ही कर पाए, क्योंकि ये भैया ही को पता है कि कैसे सेटअप करना है, वो अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर लेगा। तो आइए फटाफट हम इसको अनबॉक्स करते हैं गाइस। और ये मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये जो हमारी नाइफ है ना, इसकी वेल्थ कितनी है आज, अब तक इसकी 2 लाख से ऊपर की वेल्थ है, क्योंकि ये 2 लाख से ऊपर की चीजों को ना अनबॉक्स कर चुका है। हमारा पीसी आया था, उसने इसने भी उसको अनबॉक्स किया था, टेबल लिया था वो भी अनबॉक्स किया था, क्रोम बुक था वो भी इसने ही अनबॉक्स किया था। मतलब ये जितनी भी डिलीवरी आज तक हम लोगों ने मतलब रिसीव की हैं, उन सबको अनबॉक्स इस नाइफ ने किया है। ये नाइफ भाई मतलब हमारा तो फेवरेट है नाइफ, हम लोग जब भी कोई भी डिलीवरी रिसीव करते हैं तो इसी से ही मतलब उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, चाहे वो क्लोथ का डिलीवरी हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की हो, चाहे हमारा पूरा पीसी की हो। अब हम गेमिंग चेयर भी कुछ मतलब महीनों में लेने वाले हैं, तो हम उसकी भी अनबॉक्सिंग इसी से ही करेंगे। सबसे पहले हमें ये एनवलप मिला है, इसके अंदर शायद दिल होना चाहिए। वैसे मुझे लगा था कि ये अमेज़न वाले पूरा प्रॉपर बॉक्स में देंगे, जब मैंने माउस पैड मंगाया था ये वाला, तो हमने इतना बड़ा बॉक्स था उसके अंदर, उसके अंदर ये पूरा माउस पैड आया था। अब ये ओपन हो रहा, इग्नोर कर देते हैं इसको।
सबसे पहले हमें मिलती है यूजर गाइड, जिसको भैया ही पढ़ेगा। ओके तो गाइस, ऐसा कुछ हमें मतलब मिला है। ये हमारा पूरा मतलब माइक का सिस्टम, इसके नीचे स्टैंड भी इसका रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले माइक को निकाल के देखते हैं। इस माइक का पूरा सही, ये RGB वाला लाइट है, मतलब माइक है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। और ये इसका स्टैंड रखा है गाइस नीचे, ये स्टैंड इस साइड बिल्ड कराया गया है, इस साइड से पूरा माइक का स्टैंड सेटअप करेगा इसको। हमें ऐसा क्यों लग रहा है इसमें एक चीज कम है गाइस? बस इतना ही था। इसके अंदर ये माइक है, मतलब ये माइक का स्टैंड है, ये माइक है, और इसको एज यूजुअल इसके अंदर ही रख दो, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे इसका। गाइस धीरे धीरे हमारे पीसी का सारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो रहा है। पहले तो हमने पूरा पीसी बाय कर लिया था, उसके बाद में हमारा ये माउस पैड रह गया था, ये भी आ गया, माइक रह गया था, वो भी आ गया। अब बस गेमिंग चेयर रह गई है, वो भी हम कुछ महीनों में परचेस कर लेंगे। गेमिंग चेयर थोड़ी ज़्यादा उसकी है, तो थोड़ा रुक के हाल लेना पड़ेगा। तो बस अब उसी की देरी है, धीरे धीरे हमारा ये पूरा गेमिंग सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इस रूम को भी चेंज करेंगे, इसमें RGB लाइटिंग करेंगे। कुछ महीनों में आपको ट्रांसफॉर्म दिखेगा इस रूम में, जरूर दिखेगा। और बस आज तो गाइस पापा ने बाइक मंगाई थी, तो घर से निकलते ही सीधा हम बाइक देने चले गए। अब फिर से वापसी घर की ओर जा रहे हैं। तो बस आज यही किया है हमने अभी तक, हम बाइक पार्सल वाले बन चुके हैं, बाइक डिलीवर करते हैं। तो हम घर की ओर जाएंगे। जिम जाने से पहले पियेंगे एक कप कॉफ़ी मस्त करके। तो लोग पहले कॉफ़ी बनाते फिर जिम के लिए निकलते। इसे करते हैं जल्दी से ख़त्म और फिर निकलते हैं जिम के लिए। जिम पहुंच चुके हैं गाइस, ये हमारा जिम, ये हमारा फुद्दू छोटू सा जिम, कोई नहीं है, खाली पड़ा। विंटर्स कोई जिम नहीं आता, तो शुरू करते हैं अपनी वर्कआउट। तो गाइस वर्कआउट हो गया है ख़त्म, हम करते हैं जिम को बाय बाय और चलते हैं घर की तरफ। एक हफ्ते बाद आए थे तो थोड़ा लाइट वर्कआउट किया है, ज़्यादा हार्ड नहीं किया है क्योंकि मसल थोड़ा पेन करेगी अब रात में, तो इसीलिए ज़्यादा हैवी नहीं किया, लाइट किया। तो यही था आज का वर्कआउट,
अब चलते हैं घर की ओर। तो गाइस जिम से आ चुके थे, जिम से आने के बाद में हमने सोचा क्यों ना अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करा जाए, बट मुझे ऑमलेट मिले ही नहीं शॉप पे, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और ज्यादा हमें ट्रम करना नहीं था बनाने का, तो हमने बेसिकली सीधा दूध को गर्म किया, उसमें मिलाई थोड़ी टर्मरिक, येलो दूध हो गया बिल्कुल हल्दी वाला दूध, और ये ड्राई फ्रूट का मैंने पीस किया है, और मैं इसमें काजू है, बादाम है, 5 तरीके की ड्राई फ्रूट है। अब इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा, हल्का सा मैं डाल दूँगा, इसके अंदर डालने के बाद में थोड़ी देर में ये अपना प्रोटीन का कमाल करना शुरू कर देंगे, और फिर मैं इसको पी लूँगा, तो हमारा प्रोटीन का इंटेक भी पूरा हो जाएगा। और आज तो जिम 1 हफ्ते बाद गए थे, थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगे, तो फटाफट से रिकवर होके फिर से अपने पावर लिफ्टिंग पर पहुँचे, 100 kg की डेड लिफ्ट की चली गई, और फिर से अपना करेंगे। तो ये मैंने बना लिया है, अब मैं इसको फटाफट से पीता हूँ। इंजीनियर साहब कह रहे हैं मोमोज खिलाओ, मतलब इनके लिए माइक भी लेके आओ, इनके लिए इन्हें मोमोज भी खिलाओ हैं, शक्ल देखो जरा इनकी। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है उधर लगा दिया है, इस साइड लगाना चाहिए था। इंजीनियर साहब की माँ को जरूरत थी। फर्नीचर इंजीनियर, और ड्रॉअर कैसे खुलेगी फिर, मुंह से खुलेगी तुम्हारे? यहाँ लगा है। जे 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 माइक लगाएंगे। हटो हटो हटो, थोड़ा पीछे हटो यार। देखिए गाइस, जो मम्मी है, मेरी मम्मी, जो इंजीनियर साहब को आता जाता कुछ नहीं है, अब आया ना थोड़ा, देखो लाइटिंग वाइटिंग चेहरा आएगा, देखो सीजीओ तो इतना क्यों कस रहा है ज्यादा? कुछ कह रही है, क्या कह रही? ऐसे नॉर्मल कर सकती, सही रहे। अच्छा तुमने क्या इस पे, कौन सी GTA 5 खेलना तुमने देखना अनुपमा ही है, इन्होंने देखने अनुपमा ही है। तो गाइस माइक लग चुका है, लगने के बाद में पूरा सेटअप हमारा ऐसा दिख रहा है, ये मोए मोए